अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर कुरकुरे की रेसिपी। इसको आप पनीर कुरकुरे बोल सकते हैं, पनीर के एक्स्ट्रा क्रंची पकोड़े बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं आप पनीर नगेट्स। बिलीव मी गाइस, एक बार बनाएंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इफ्तार में, स्टार्टर में, मेहमानों के सामने चाहे जैसे सब कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि कुरकुरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले पनीर लेना होगा और उसको इस तरह से फिंगर्स में कट करना है, ये देखिए इस तरह से, और एक बड़े बर्तन में हमें रखना है। इसके ऊपर लगाएंगे हम फर्स्ट मैरिनेशन, जिसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि अंदर से पनीर फीका फीका सा निकलता है ना, करीब 2 से 3 चुटकी। थोड़ा सा जाएगा नमक, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर चाट का मसाला, थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी इस तरह से डाल दीजिए, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर कसूरी मेथी और कुछ अजवाइन। अजवाइन को लेंगे और इस तरह से हथेली पे यूं क्रश करते हुए हल्का सा एक पाउडर सा बना लेना है और इसको इसके ऊपर डाल देना है। और अब हम इसको बहुत अच्छे से हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से कोट कर देंगे। हमारे पनीर के अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो एकदम से ये सारी चीज़ें इसके ऊपर चिपक गई हैं, क्योंकि अंदर से जो पनीर हमारा फीका फीका निकलता है ना, वो इस पकौड़ों में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा सा टेस्ट अंदर से पनीर के निकल के आएगा। बस अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कोटिंग हमारी पनीर के ऊपर हुई है। अब हमने लिया है बेसन, और बेसन सिंपल जैसे पकौड़ों का बेसन घोला जाता है उसी तरह से हम इसको घोलेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक बेसन के हिसाब से, आपको जितने पकौड़े बनाने हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा 1/4 स्पून चाट का मसाला, और थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर। बस अब हम इसको एक सिंपल घोल बनाएंगे जिस तरह से पकौड़ों का बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हमें इसका घोल बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी। मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करने के बाद। लम्स फ्री बेसन हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, देखिए लिक्विडी है, पोरिंग है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर हमें पकौड़ों के ऊपर नहीं लानी है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, लिक्विडी सा हमें बेसन रेडी करना है। अब इसको एक साइड रख देते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, सिंपल हैं, नॉर्मल वाले जो आते हैं। अब हमें इनका हल्का हल्का सा चूरा बनाना है इस तरह से, इससे बहुत मज़े का क्रंच आएगा। ऊपर वाली जो कोटिंग होगी हमारी कॉर्नफ्लेक्स की होगी। इस तरह से हमने इसका चूरा कर लिया है, अब हम इसको भी एक साइड रख देंगे और हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने अपना पनीर जो मैरिनेट करके रखा था इसके ऊपर इस बेसन को हम डालेंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो उसके टूटने का डर रहता है। बस इस तरह से डालिएगा कि इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, और जो बचेगा हमारा बेसन हम उसके अंदर आलू प्याज गोभी वगैरह के पकौड़े बना सकते हैं। मैं बनाऊंगी इस तरह से। हमें अपने पनीर के ऊपर कोटिंग करनी है, यूँ घुमा घुमा के, देखिए सारे पनीर हमारे अच्छे से कोट हो चुके हैं। और अब हम इसको करेंगे धीरे से उठाइए, ताकि हमारा पनीर का पीस टूट ना पाए और इसकी फिंगर अच्छी सी बनकर आए। एक्स्ट्रा जितना भी है इसको ड्रिप ऑफ कर दीजिएगा और इसके ऊपर रखेंगे। अब सूखे हाथ से हमें इसको कोट करना है इस तरह से, ताकि अच्छा सा एक कोटिंग हो जाए और क्रंच हमारे पकोड़ों के ऊपर निकल के आए। इस तरह से देखिए दबा दबा के हमें इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करनी है। बहुत मज़े के करारे करारे कुरकुरे ये बनकर आएंगे हमारे पकोड़े। और जितना भी एक्स्ट्रा है इस तरह से झाड़ दीजिए। अब हम सारे पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट हो गया है। सारे पनीर के पकौड़े इस तरह से सेट कर लिए हैं, अब फ्राई करेंगे फटाफट से। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया है और हल्की हल्की हीट ऊपर आ रही है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हमें तेल के अंदर इसको नहीं डालना है। इस तरह से डाल दीजिए और बस
हमें करना है फ्राई। ऊपर से ऑयल डाल देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि हम अंदर तक इसका बेसन भी कुक कर सकें और इसके अंदर बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाए। हल्के हल्के इनके ऊपर ऐसे इस तरह से हमें ऑयल को यूं पोर कर देना है। और अब मैं फ्लेम को, क्योंकि हमारा तेल ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा तेज करूंगी, क्योंकि जब हम चीज़ें डालते हैं उस वक्त डालने के बाद तेल हमारा ठंडा पड़ जाता है। बस अब हमें इन्हें मज़ेदार सा फ्राई करना है। ये देखिए, जो पहले हमने डाले थे वो लगभग फ्राई होने वाले हैं और बहुत मज़े का क्रंच और इसके अंदर क्रिस्प आ गया है, कलर आ गया है। आगे पीछे डाले हैं, आगे पीछे इनको निकाल लीजिए। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लीजिए बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि पनीर है बहुत सॉफ्ट होता है। और मैं इसको निकालूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऑयल है वो ड्रिप ऑफ हो जाए। ऑयली चीज़ों को हमें इसी तरह से एक बार में सर्व नहीं करना चाहिए, पहले अलग निकालिए उसके बाद सर्विंग प्लेट में डालिए, वरना गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। अब मैं इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दूंगी। एक्स्ट्रा ऑयल सारा हमारा इसके ऊपर आ जाएगा और अब हम अपनी सर्विंग प्लेट रेडी कर लेते हैं। अब तैयार है हमारे सर्व करने के लिए एक्स्ट्रा क्रंची, बहुत करारे, मज़ेदार से, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से कुरकुरे पनीर के पकौड़े हमारे रेडी हैं। आप आवाज़ सुनिए और अंदर से ये देखिए कितना मज़े का पनीर, सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये रही हमारी इमली की चटनी और सॉस, इसके साथ आप इंजॉय कीजिए जो आपको पसंद है। मेयोनी के साथ भी बहुत मज़े की जाती है ये रेसिपी। रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी इस रेसिपी को। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।